भारतीय सेना में तैनात 14 गढ़वाल राइफल के संजय सिंह रावत उर्फ जीतू ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। सैनिक के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि कुशंती कठूली गांव आज पहुंचेगा। सैनिक के निधन की सूचना के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर है। विकासखंड खिरसू के ग्राम पंचायत धवी गांव स्थित कुशली गांव निवासी राजेंद्र सिंह रावत और रामेश्वरी रावत के घर एक बालक ने जन्म लिया। बीते 2011 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा की भावना के चलते वो गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गया। संजय रावत बीते 13 साल से भारतीय सेना में रहकर देश सेवा कर रहे थे। ग्राम प्रधान कुशली सोहन सिंह और संजय के चाचा सोहन सिंह रावत ने बताया कि सेना से संदेश आया कि संजय को बीते 4 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान लेह लद्दाख में हार्ट अटैक आया, जिस कारण उसका निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि संजय की 13 साल की बेटी है और एक 6 महीने का बेटा है। उनके पिता राजेंद्र सिंह सेना से लांस नायक के पद पर सेवानिवृत्त हुए, जबकि छोटा भाई धीरेन्द्र सिंह भारतीय सेना में तैनात है। उन्होंने बताया कि बेटे के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सुबोन के सीओ ने फोन यही किया था कि आपका बेटा अटैक आया और डेथ हो गई। मैं 17 साल सर्विस करके आया हूँ आर्मी से और 2001 में रिटायरमेंट आया था और मेरा लड़का अभी 33 साल का था और वहाँ से छुट्टी आ रहा था। अब बीच रास्ते में ये हमको पता नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे को यही सूचना मिली कि उसका अटैक आया। वो दिल्ली से वो कह रहे थे कि दिल्ली से हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं अभी, मतलब करीब 6 बजे। ये पोस्टिंग थी गलवान में, गलवान से ही डाउन हो रहा था। अभी तक हमारी कोई मदद नहीं कर रही, कोई सरकार को हम कुछ बताया। हमारा लड़का था, मैं ताऊ जी हूँ उनका, और वो अभी साइचिन एरिया में पोस्टेड था, वहाँ उनको कुछ अटैक हुआ जो भी है, मतलब अभी क्लियर पता नहीं है। तो वहाँ से उनके फौज ने बताया कि भाई ये सीरियस है और मामला जो है, कल हमें पता लग गया कि वो एक्सपायर हो गया, तो उसका बॉडी अभी वो लेके आ रहे हैं। वाई एयर उन्होंने दिल्ली पहुँचाया और दिल्ली से फिर अभी बाई रोड लेके आ रहे हैं।